तो आप लोगों के डिमांड पे एक और कंपैरिजन आ गया है। यहाँ पे हमारे पास है ओप्पो एनको बर्ड्स 2 और साथ में है वन प्लस नॉट बर्ड्स 2R। मेरा नाम अतन, आप देख रहे हैं टेक यूनिक। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कीमत की बात करें तो यहाँ पे ओप्पो एनको बर्ड्स 2 आपको मिल जाता है 2000 से लेकर 1800 रुपए का। तो प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे वन प्लस का नॉट बर्ड्स 2R आपको अभी मिलेगा 2200 रुपए का। दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप इन्हें खरीद सकते हैं और लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। ईयरबड्स की तरफ शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी देखें तो यहाँ पे ओप्पो एनको बर्ड्स 2 आपको कुछ इस तरीके की प्लास्टिक क्वालिटी के साथ देखने को मिलता है। सामने की तरफ मैट फिनिशिंग है और यहाँ पे जो इसका डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है ये वाले पार्ट पे ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। इसका डिजाइन और शेप तो काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर का इसका जो मैट फिनिशिंग दिया गया है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है काफी ज्यादा स्क्रैचेस और दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आप इसे बिना कवर के यूज करोगे तो कुछ इस तरीके के दाग धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे बात करूं वन प्लस नॉट बर्ड्स 2R की, तो इसमें भी आपको वही सेम तरीके का जो है मैट फिनिशिंग दिया गया है, लेकिन इसका जो शेप है वो थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी तो वैसे काफी बढ़िया है। ईयरबड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की शेप के साथ आते हैं, इन ईयर डिजाइन है, और इस बार जो है ये इन ईयर डिजाइन काफी कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कानों में फिट भी होते हैं। यहाँ पे डिजाइन तो यार आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपको पसंद आता है, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से ओप्पो एनको बर्ड्स 2 का जो डिजाइन है वो मुझे ज्यादा पसंद आया है एज कम्पेयर टू वन प्लस। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, सबसे पहले ब्लूटूथ वर्जन देख लेते हैं। ओप्पो में आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.2 और नॉट बर्ड्स 2R में आपको मिलता है ब्लूटूथ 5.3। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट निकल करके आता है कि दोनों में ही आपको यहाँ पे फास्ट पेयरिंग नहीं मिलता। लेकिन अगर आपके पास एक वन प्लस का स्मार्टफोन है या फिर अगर आपके पास एक ओप्पो का स्मार्टफोन है तभी आपको फास्ट पेयरिंग मिलेगा इन दोनों ही TWS में। ये चीज यहाँ पे थोड़ी सी बेकार है दोनों ही TWS में यहाँ पे, लेकिन दोनों में ही आपको यहाँ पे AAC कोडेक मिल जाता है। अब जल्दी से फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स ही है एकमात्र जो इन दोनों को अलग बनाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ओप्पो एनको बर्ड्स में मिलता है IPX4 की रेटिंग, साथ में यहाँ पे आपको मिलता है गेमिंग मोड जो कि आपको 80 ms का लो लेटेंसी प्रोवाइड करेगा। साथ ही में इसमें आपको हे मेलेडी एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। वहीं पे नॉट बर्ड्स 2R में भी आपको IP55 की रेटिंग मिलती है जो कि ओप्पो के IPX4 रेटिंग से ज्यादा बेहतर है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको गेमिंग मोड भी मिल जाता है जो कि 94 ms का है, जो कि अगर ओप्पो से कंपेयर करें तो थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पे जो वन प्लस का गेमिंग मोड है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वहीं पे वन प्लस में भी आपको हे मेलेडी एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दोनों ही ईयरबड में कमियां देखने को मिलती है वो है यहाँ पे दोनों में ही आपको ANC नहीं मिलता, दोनों में ही आपको यहाँ पे इन ईयर डिटेक्शन नहीं मिलता। चलो यहाँ पे ओप्पो एनको बर्ड्स 2 जो है आपको यहाँ पे 1800 रुपए का मिलता है, वैसे 2000 रुपए के नीचे मिलता है, तो समझ सकते हैं कि भाई ये सारे फीचर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो नॉट बर्ड्स 2R है ये जो है आपको 2200 रुपए का मिलता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ये सारे फीचर्स नहीं दिए गए हैं, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे निराशाजनक रहती है। तो फीचर्स के मामले में यहाँ पे मुझे ओप्पो एनको बर्ड्स 2 विनर दिखता है, क्योंकि यहाँ पे ओप्पो है ना कम पैसे भी लेता है और आपको वही अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। गेमिंग मोड भी यहाँ पे आपको ओप्पो में ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आपके पास एक वन प्लस का स्मार्टफोन है तो आपको नॉट बर्ड्स 2R में जो है और भी कम लेटेंसी मिलेगा गेमिंग मोड के अंदर, तो ये चीज आपको एक ध्यान में रखनी है। बैटरी बैकअप की बात करें, सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी देख लेते हैं। यहाँ पे ओप्पो एनको बर्ड्स 2 में केस में मिलता है 460 mAh बैटरी और बर्ड्स में मिलता है 40 mAh बैटरी। वहीं पे वन प्लस में आपको मिलता है केस में 480 mAh बैटरी और बर्ड्स में 36 mAh बैटरी। लेकिन अगर मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूं, जहां पे मुझे बैटरी बैकअप दोनों का ही काफी सेम देखने को मिला, काफी ही सिमिलर सा बैटरी बैकअप मिला, दोनों में ही आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप गेमिंग मोड ऑन करके गेम खेलते हैं तो। लेकिन अगर आप यहाँ पे गेमिंग मोड ऑन बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो आपको आराम से दो दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा केस के साथ दोनों ही TWS में। लेकिन दोनों में ही एक चीज की कमी है जो कि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग, दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता है, दोनों को ही फुल चार्ज करने के लिए आपको 2 घंटे का समय लग जाएगा। लेकिन भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं जो कि है साउंड क्वालिटी। यहाँ पे आपको साउंड क्वालिटी को बिना देखे कोई भी ईयरबड नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ड्राइवर साइज की, तो ओप्पो एनको बर्ड्स में आपको मिलता है
10 mm के ड्राइवर्स और नॉट बर्ड्स 2 आर में आपको मिलता है 12.4 mm के ड्राइवर्स। लेकिन वहीं पे दोनों में ही आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डॉल्बी एटमॉस ओप्पो का एनको बर्ड्स 2 जो है वो आपको सिर्फ ओप्पो के स्मार्टफोन पे ही देगा, और ये जो वन प्लस का नॉट बर्ड्स 2 आर है ये भी आपको सिर्फ वन प्लस के स्मार्टफोन पे ही डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। लेकिन अब यहाँ पे नॉर्मल लोगों के लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी के मामले में मैं यहाँ पे क्लियर कट विनर निकालना चाहूंगा ओप्पो एनको बर्ड्स 2 को, क्योंकि यहाँ पे इसकी ज्यादा मुझे साउंड क्वालिटी पसंद आई है, इसकी क्लैरिटी मुझे ज्यादा पसंद आई है, ओवरऑल जो इसकी साउंड में डिटेल्स है वो मुझे थोड़े से ज्यादा पसंद आए हैं। वहीं पे बात करूं वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 आर की, तो इसमें जो है ना यहाँ पे बेस बहुत ज्यादा दिया गया है, बेस इतना ज्यादा दिया गया है कि यहाँ पे जो सिंगर का आवाज है ना वो अच्छे से सुनाई नहीं देता। कभी कभार तो यार यहाँ पे इतना दब जाता है सिंगर का आवाज कि पता ही नहीं चल पाता भाई लिरिक्स क्या गा रहा है, भाई बंदा गा क्या रहा है, तो ये यहाँ पे समझ में नहीं आता कभी कभार। तो डेफिनेटली ये चीज जो है उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी नॉट बर्ड्स 2 आर, तो इसलिए मैंने साउंड क्वालिटी के मामले में ओप्पो एनको बर्ड्स 2 को विनर निकाला है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे ओप्पो एनको बर्ड्स 2 आपको सस्ते में भी मिलता है और ज्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है। लेकिन एक चीज में यहाँ पे ओप्पो एनको बर्ड्स 2 मार खा जाता है, जो कि यहाँ पे माइक का यहाँ पे काफी एक बड़ा रोल रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप कॉल वगैरह पे बात करते हैं, गेमिंग वगैरह करोगे तो वहां पे आपको टीममेट से बात करना है, तो माइक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं एक कॉलिंग टेस्ट, घर के अंदर और घर के बाहर जाके भी हम ट्रैफिक में करेंगे कॉलिंग टेस्ट, ताकि आपको पता चले कि किसमें बैकग्राउंड नॉइस अच्छे तरीके से कैंसल आउट होता है और किसमें यहाँ पे जो है नहीं होता। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट ओप्पो एनको बर्ड्स 2 का। वैसे यहाँ पे घर के अंदर टेस्टिंग हो रही है, फैन यहाँ पे चालू है फुल स्पीड पे, तो आपको ऐसा सुनना है कि किस तरीके की बैकग्राउंड नॉइस यहाँ पे कैंसल आउट हो रही है या नहीं हो रही है, सब कुछ आप यहाँ पे सुन सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे घर के अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि यार घर के अंदर किस तरीके से आपको यहाँ पे माइक क्वालिटी मिलेगी ओप्पो एनको बर्ड्स 2 में। वहीं पे हम यहाँ पे जो है बाहर जाके भी टेस्टिंग करेंगे, एकदम ट्रैफिक में जाकर टेस्टिंग करेंगे, ताकि आपको पता चले कि भाई गाड़ियों की आवाज, हॉर्न वगैरह की आवाज जो होती है, क्या ये कैंसल आउट कर पाता है या नहीं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे वन प्लस को भी इसी तरीके से टेस्ट करेंगे। तो ये था एक इनडोर सैंपल ओप्पो एनको बर्ड्स 2 का। ये है वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 आर का कॉलिंग टेस्ट। यहाँ पे हम ये टेस्ट घर के अंदर कर रहे हैं, देख सकते हैं ऊपर फैन चालू है, साथ में एसी भी चालू है, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि किस तरीके की यहाँ पे कॉलिंग आ रही है, किस तरीके की कॉलिंग में साउंड क्वालिटी आ रही है। वैसे आप यहाँ पे मुझे सुन करके बता सकते हैं इसमें आपका जो AI नॉइस कैंसिलेशन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, मेरा आवाज किस तरीके से आ रहा है वो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो ये है एक कॉल क्वालिटी, जैसे उनको वर्ड टू का यहाँ पर सुन सकते हैं, किस तरीके आपको काम करते हैं, जैसे उनको वर्ड टू में आप यहाँ पर सुन करके जो है पता कर सकते हैं कि वही किस तरीके से काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है वही सेम जगह पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट वन प्लस नॉट बर्ड्स 2 आर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कितना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा जा रहा है, तो कितना आपको जो है नॉइज आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, सब कुछ आप यहाँ पे सुन सकते हैं। वैसे सबसे अच्छी बात आपको मैं बताऊँ इसकी भी, इसमें आपको AI नॉइज कैंसिलेशन मिलता है, तो किस तरीके से AI नॉइज कैंसिलेशन काम कर रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बैकग्राउंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ट्रैफिक वगैरह जा रही है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, एक आइडिया लगेगा कि यहाँ पे कितना नॉइज कैंसिलेशन हो पाती है उसमें। तो भाई ओवरऑल कंपैरिजन में मैं आपको यही एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई अपने पैसे बचाओ और यहाँ पे ओप्पो एनको बर्ड्स 2 खरीदो, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर TWS निकल करके आता है, प्राइस भी कम है, बहुत ही अच्छे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे और साउंड क्वालिटी भी इसकी बेहतर है एज कम्पेयर टू वन प्लस। वन प्लस पता नहीं यहाँ पे क्यों निकाला है ये वाला ईयरबड, पता नहीं क्यों इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने जो है एक सिंपल सा ईयरबड निकाल दिया, बस वो भी इतने बेकार साउंड क्वालिटी के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस कंपैरिजन का विनर ओप्पो एनको बर्ड्स 2 निकल करके आता है। ओवरऑल इतना था इस वीडियो में, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, और आपका दिन शुभ रहे।